वेलकम टू अश्वनी इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की चैप्टर नंबर 6, कमिंग एंड गोइंग। ओके, कमिंग का हिंदी आपका हो जाएगा आना, एंड का हिंदी हो जाएगा आपका और, गोइंग का हिंदी आपका हो जाएगा जाना। यानी कमिंग एंड गोइंग, आना और जाना। ओके, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, हमारे शुरू करने से पहले, डिफरेंट सीजन इम्पैक्ट अस डिफरेंटली बट इट आल्सो इम्पैक्ट ऑन द लिव्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, दे माइग्रेशन डिपेंड ऑन सीजन। ओके, डिफरेंट सीजन इम्पैक्ट अस डिफरेंटली, अलग अलग मौसम हमें अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, बट लेकिन इट आल्सो इम्पैक्ट ऑन द लिव्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, लेकिन यह खूबसूरत पक्षियों के जीवन पर भी असर डालता है। ओके, देयर माइग्रेशन डिपेंड ऑन सीजन, उनका प्रभाव मौसम पर निर्भर करता है। ओके, किनका प्रभाव? पक्षियों का प्रभाव मौसम पर निर्भर करता है। आइए, अब इस चैप्टर में पक्षियों के बारे में दिया गया है, उसी के बारे में मुझे पढ़ना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर कम टू आवर फील्ड अ पेयर ऑफ बर्ड, कहता है हमारे खेतों में पक्षियों का एक जोड़ा आया। ओके, डैट हैड नेवर बिल्ट अ नेस्ट नॉट सीन अ विंटर, जिसने ना तो कभी घोंसला बनाया था ना ही जारा देखा था, यानी ठंडी का मौसम देखा था। हाउ ब्यूटीफुल वाज एवरी थिंग, सब कुछ कितना सुंदर था। द फील्ड वेयर फुल ऑफ फ्लावर एंड द ग्रास बिगेन सिंगिंग। ओके, खेत फूलों से भरे हुए थे और घास लंबी हो रही थी। ओके, एंड द बीज वेयर हमिंग एवरी वेयर, और मधुमक्खियाँ हर जगह भिनभिना रही थी। देन वन ऑफ द बर्ड्स बिगेन सिंगिंग एंड द अदर बर्ड सेड, फिर उसमें से एक पक्षी ने गाना शुरू किया और दूसरी चिड़िया ने कहा, हु टोल्ड यू सिंग एंड ही आंसर्ड, तुम्हें किसने गाने के लिए कहा और उसने उत्तर दिया। द फ्लावर टोल्ड मी एंड द बीज टोल्ड मी एंड द विंड्स एंड टोल्ड मी एंड लीव्स टोल्ड मी, फूलों ने मुझसे कहा और मधुमक्खियों ने मुझसे कहा और हवाओं और पत्तियों ने मुझसे कहा। द स्काई टोल्ड मी एंड यू टोल्ड मी टू सिंग, और नीले आकाश ने मुझसे कहा और तुमने मुझे गाने के लिए कहा। देन हिज मेट आंसर्ड, तब उसके साथी ने उत्तर दिया। व्हेन डिड आई टेल यू सिंग एंड ही सेड, मैंने तुम्हें कब गाने के लिए कहा और उसने कहा। उसके साथी कहता है मैंने तुम्हें कब गाने के लिए कहा, उसने कहा। ओके, एवरी टाइम यू ब्राउट इन टेंडर ग्रास फॉर द नेस्ट एंड एवरी टाइम योर सॉफ्ट विंग फ्लटर्ड ऑफ अगेन ऑफ एयर एंड फीदर टू द लाइन आई द नेस्ट। ओके, अब यहाँ पे वो पक्षी कहता है, हर बार जब तू घोंसले के लिए हरा घास ले आती और तेरे कोमल पंख फिर फरफरा कर केस और परोसों से घोंसला ढक लेते, तब उसके घोंसले से देख लेते। देन हिज मेट सेड, व्हाट आर यू सिंगिंग अबाउट, तुम किस, तब उसके साथी ने कहा तुम किस बारे में गा रहे हो। एंड ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने वो पक्षी ने उत्तर दिया, आई एम सिंगिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नथिंग, मैं हर चीज़ के बारे में गा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इट इज बिकॉज आई एम सो हैप्पी डैट आई सिंग, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गाता हूँ।
बाय एंड बाय फाइव लिटिल स्पार्कल्ड एग्स वेयर इन द नेस्ट। धीरे धीरे घोंसले के पांच धब्बेदार अंडे आ गए। एंड हिज मेट सेड, और उसके उनके उसकी पत्नी ने कहा, इज देयर एनी थिंग इन ऑल द वर्ल्ड एज प्रिटी एज माई एग, क्या दुनिया में मेरे अंडों की तरह सुंदर कुछ है। देन दे बोट लुक डाउन ऑन सम पीपल डेट वेयर पासिंग बाय एंड पिट देम बिकॉज दे वेयर नॉट बर्ड। फिर उन दोनों ने कुछ लोगों को देखा और जो वहाँ से गुजर रहे थे, और उन पर दया की क्योंकि वे पक्षी नहीं थे। इन अ वीक और टू वन डे व्हेन द फादर बर्ड केम होम, एक या दो सप्ते में एक दिन जब चिड़िया के पिता घर आए, द मदर बर्ड सेड, और चिड़िया की माँ ने कहा, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ है। व्हाट वन माई एग्स हैज बीन पीपिंग एंड मूविंग, क्या मेरा एक अंडा झांक झांक कर चल रहा है। प्रीटी सून अनदर एग मूव अंडर द फीडर्स, बहुत जल्द एक और अंडा उसके पंखों के नीचे चला गया। एंड द अनदर एंड अनदर, और फिर एक और दूसरा, टिल फाइव लिटिल बर्ड्स वेर हैच्ड। नाउ द फादर बर्ड सेंग लाउडर एंड लाउडर देन एवर, जब तक कि पांच छोटी चिड़ियां नहीं निकली। अब पिता पक्षी ने पहले ही कई ज़्यादा जोर जोर से गाया। द मदर बर्ड टू वॉन्टेड टू सिंग बट सी हैड नो टाइम एंड सी टर्न्ड हर सॉन्ग इंटू वर्क। माँ चिड़िया भी गाना चाहती थी लेकिन उसके पास समय नहीं था, और उसने अपने गीत को काम में बदल लिया। सो हंग्री वेयर दीज लिटिल बर्ड देन कीप्ट बोथ पेरेंट्स बिजी फीडिंग देम। ओके, ये छोटी चिड़िया भूखी थी कि इसके माता पिता दोनों ने उन्हें खिलाने में व्यस्त रखा। अब वे ईच वन फ्लू द मोमेंट द लिटिल बर्ड हियर्ड द विंग्स फ्लटिंग अमंग द लीव्स, फिफ्थ लिटिल येल्लो माउथ्स फ्लू ओपन वाइड सो डैट नथिंग कुड बी सीन बट फाइव येल्लो माउथ। दूर हर एक उड़ गया। जिस क्षण छोटी पक्षियों ने अपने पंखों को पत्तों के बीच फड़फड़ाते हुए सुना, पांच छोटे पीले मुंह खुले हुए उड़ गए ताकि पांच पीले मुंह के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। कैन एनी बडी हैप्पियर, सेड द फादर बर्ड टू मदर बर्ड, क्या कोई खुश हो सकता है। पिता पक्षी ने माँ पक्षी से कहा, क्या कोई खुश हो सकता है। वी विल लिव इन दिस थ्री ट्री ऑलवेज फॉर देयर नो सोरो हेयर, इट इज अ थ्री डेट ऑलवेज बियर जॉय, हम हमेशा इस पेड़ में रहेंगे क्योंकि यहाँ कोई दुख नहीं है। यह एक पेड़ है जो हमेशा खुशी देता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।